सो अभी हम टॉय ट्रेन के जो स्टेशन है वहाँ पे आया हूँ। ट्रेन जो है वो 9 बजे की है और एक 12 बजे की है। तो सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालूंगा कि जो 12 बजे की ट्रेन है वो कितने टाइम में कुनूर तक जाती है, तो कुछ कितने टाइम में कुनूर पहुँचेगी और कितने टाइम में वो वहाँ से रिटर्न आएगी और उसके बीच में हमें कितना टाइम मिलेगा, ताकि उसके हिसाब से मैं अपना जो पूरा प्लान है एडजस्ट कर पाऊँ। एंड मेरे बाल को जो है वो इग्नोर करो, क्योंकि बाइक पर बैठ बैठ के हेलमेट लगा लगा के मेरे बाइक बाल की वाट लग गई है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये नीलगिरी रेलवे लाइन है एंड ये ऊटी का उडमंगलम कुछ स्टेशन है। एंड अभी टिकट मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, कॉस्ट 10:30 बजे। मैं इसका पूरा डिटेल आपको दे देता हूँ। ये जो ट्रेन है ये उडमंगलम, ये जो स्टेशन है ऊटी का, यहाँ से लेके कुनूर स्टेशन है वहाँ तक जाएगी। 2 घंटे का सफ़र है एंड इसके अंदर लाइक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे है। एंड जो मैं आपको इसका जो सिस्टम है ये बता देता हूँ। बेसिकली ये 4 ट्रेन होती है जो ऊटी की रेलवे स्टेशन से जाती है। जो सबसे पहली ट्रेन होती है वो 9:15 की होती है, दूसरी ट्रेन जो होती है वो 12:15 की होती है, तीसरी 2:15 की एंड चौथी 4:15 की होती है। एंड जो इसका जो टिकट का प्राइसिंग है, फर्स्ट क्लास की टिकट 185 रुपीज़ है, सेकंड क्लास की टिकट 35 रुपीज़ है जनरल क्लास जो होता है वो, एंड फर्स्ट क्लास में लिमिटेड सीट होती है, कुछ 70-80 सीट्स होती है। वो दिन 2025 जनवरी सबसे लेटेस्ट अपडेट रही है ऊटी रेलवे स्टेशन का, जो इसकी टिकटिंग वगैरह का, ठीक है। तो आप प्लीज़ देख लीजिए, ये कभी आपको प्लान करना है तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेमोरी कार्ड लेने के लिए, कॉज मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो ख़त्म हो गया, लाइक पूरा फुल हो गया है। तो एक 32 GB का हाई स्पीड मेमोरी कार्ड ले लेता हूँ, इवन रुपेश को भी चाहिए तो उसके लिए भी ले लेता हूँ मैं। एंड फिर आपको डायरेक्टली स्टेशन पर मिलता हूँ मैं, ठीक है, चलो बाय। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है चलते चलते एंड अभी तक कोई भी मोबाइल शॉप नहीं आई है। अभी मैंने एक अंकल से पूछा है, एक आगे सर्कल है, एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के आगे एक सर्कल है, सर्कल के बस लाइन में ही 3-4 मोबाइल शॉप है जहाँ पे मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। आई होप सो ज़्यादा दूर ना हो यार, कॉस्ट मेरे को वापस ही है। एंड अभी तक तो टिकटिंग स्टार्ट हुई नहीं होगी, 10:50 हो रहे, 11:15 को स्टार्ट होगी, लाइक मेरे पास आराम से आधे घंटे का टाइम है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि है वाटर ATM। इंसर्ट 1 rupees कॉइन फॉर 200, 2 rupees फॉर 400 एंड 5 rupees फॉर 1 liter। एंड उसके बाद ये है RO वाटर होता है, नहीं UV ट्रीटेड ऑर्गेनाइज वाटर होता है। उसके बाद यहाँ से पानी आता है, आप अपनी बॉटल के अंदर पानी भर सकते हो। सो फाइनली मेमोरी कार्ड मुझे मिल गया, जो पीछे जियो गैलरी है उसके अंदर। अभी यहाँ पे सब लोकल शॉप मिली थी, मुझे डर था कि कोई साला उल्लू ना बना दे, कोई सैंडिस का गलत मेमोरी कार्ड ना दे दे, बट थैंक गॉड मैं थोड़ा आगे आने के बाद जियो गैलरी देखी। मुझे पता है कि यहाँ पे सब ऑथेंटिक चीज़ मिलती है। यहाँ पे मैं गया अच्छे प्राइस के अंदर, 32 GB हाई स्पीड सैंडिस का मेमोरी कार्ड मिल गया मुझे 499 में। तो ये सर्कल है एंड जो सामने आप देख रहे हो वो नीलगिरी का स्टेशन का एंट्रेंस है एंड अभी हम जा रहे हैं इसके एंट्रेंस के अंदर। सो रुपेश ने ऑलरेडी टिकट निकाल चुकी है, 2 फर्स्ट क्लास की टिकट निकाल चुकी है और आप एक टाइम में मैक्सिमम 4 टिकट निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ स्टेशन पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड बहुत सारे लोग देख रहे हैं। या रुपेश टिकट, तो आई थिंक जो फर्स्ट क्लास है वो एकदम लास्ट में आता है, एकदम स्टेशन के आगे आता है जो फर्स्ट क्लास है। इतना छोटा सा और ये बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, सिर्फ 4 डब्बे होते हैं ट्रेन के अंदर, इसके लिए सीट बहुत लिमिटेड होती है, आपको बहुत पहले से लाइन लगानी होती है। ये इतना फेमस है, लाइक सारे के सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ट्रेन में आपको बता देता, ये देखिए ये एक डब्बा हो गया आपका, ये दूसरा डब्बा स्टार्ट होता है वहाँ पे जो है, ये यहाँ पे तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा और जो इंजन रहता है वो। एंड अभी सबसे मेन बात है कि यहाँ से तो कुनूर जाएगी एंड कुनूर से हमें यहाँ तक की भी टिकट निकालनी होगी, तो वो कब तक निकलती है एंड वहाँ से कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में। टाइम तो नॉर्मली वो सेम ही लगेगा, बट मिलती है कि नहीं ट्रेन वो देखना इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी वहाँ पे स्टेशन, वहाँ पे ये ट्रेन है, यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोग्राफी करके आता हूँ मेरे दोस्त के साथ। ये देखिए ट्रेन, नीलगिरी रेलवे लाइन, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। और वहाँ पे आपको फ़ोटो निकालना है, कभी ये ट्रेन आपको छोड़ के टिकट नहीं मिलती तो फिर ये ट्रेन के साथ में आप पिक्चर निकाल सकते हैं। तो चलो ट्रेन के अंदर जाके टिकट निकालते हैं, और सॉरी टिकट नहीं निकालते, ओह
अमेजिंग, बहुत छोटी सी ट्रेन है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी है यार। ये देखो यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड ये डेफिनेटली ऊपर खुलती होगी जिस तरह से ये खुलती है, ये देखिए इस तरह से, तो ये नीचे आती होगी। बट अभी ये डेमो के लिए ट्रेन तो शायद नीचे नहीं आएगी। एंड जो हमारी ट्रेन आने वाली है जो कुनूर जाएगी, आई थिंक वो भी ऐसी रहेगी, मुझे नहीं पता है, मैंने नेट पे देखा है, लेकिन मोर और लेस ऐसी रहने वाली है। इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बॉस। तो अभी मुझे यहाँ से नीचे उतरना है। वैसे मैं नीचे उतर चुका हूँ, ये रेलवे लाइन के डब्बे हैं। चलो आगे लेके जाके आपको बताता हूँ किस तरह से ये रहेगी। और ये इसका मेन इंजन है, मेन इंजन अच्छे से दिखाता हूँ, रुको। तो इंजन के अंदर चलते हैं हम। या बाप रे, हो तो इंजन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ये पुराना इंजन है, बहुत ही ज़बरदस्त, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत पुराना है, बहुत अमेजिंग है। ये देखिए, अरे पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन आई होप कि यहाँ पे लाइट तो अच्छी खासी आ रही है, ये दिख रहा है आपको अच्छे से पूरा। ये पुराना इंजन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसके जो बोल्ट्स हैं ये पूरे लगे हुए हैं। एंड ये कुछ तो है, ये भी कुछ लीवर है, और ये भी कुछ, ये भी देखिए कुछ फंक्शंस है। कुछ ऐसा ना करूं जिससे ये ट्रेन चालू हो जाए और मेरे को कोई भारी फाइन लग जाए। यहाँ पे कोयला किधर से डालते यार? यार ओह, ये स्टीम इंजन है, कोयला लाइक पीछे से डालेंगे। तो ये है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है। तो मैंने आपको ट्रेन का आगे का इंजन बता दिया है, उसकी जो बोगी होती है वो बता दिया है, अब बचा है इंजन का टेल, जो टेल के पीछे जो एक ऑपरेटर इंजन ट्रेन ऑपरेटर रहता है वो। तो हम ऑलरेडी आ गए ये टेल के पीछे, जैसे ही भाई लोग का ख़त्म होगा उसके बाद हम अंदर जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा ये टेल के पीछे क्या क्या होता है। सो भाई लोग का हो चुका है, अभी मैं आपको इसका जो टेलिंग है ये दिखा लेता हूँ। इसके अंदर का है, यहाँ पे जो इंजन मैन है या जो भी है वो यहाँ पे बैठा होगा। एंड यहाँ पे भी कुछ है, ये लाइट, हाँ ये लाइट आई थिंक कोई कम्युनिकेशन होगा जो इंजन चला रहा है उसके बीच में और यहाँ पे जो है उसके बीच में। तो यहाँ पे बैठे बैठे मुझे एक चीज़ पता चली है, लाइक मैंने जैसी अपनी नज़र ऊपर दिखाई तो देखिए मुझे क्या दिखा, कंप्लेन बॉक्स। तो इस ट्रेन से रिलेटेड या इस रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन से रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन है, एक चिट्ठी में आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे ये कवर करेगा। ऑलरेडी द ट्रेन आ गई है हमारी, F1 है हमारी, F1 है, F1 तो यही है, बस में ही। हाँ ओके, सो जनरल टिकट के लिए 9 है एंड फर्स्ट क्लास टिकट के लिए 3 है। ओके हाँ, दैट्स राइट, अपने को यही सीट मिला है। सो लकीली मुझे रुपेश को दोनों को विंडो सीट मिला है, तो इजीली लाइक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से सब। ये जनरल डब्बे की लाइन देख लीजिए, ये कितनी बड़ी है, यहाँ से आपको अभी भी मैं सजेस्ट करता हूँ लाइक अगर आना है तो फर्स्ट क्लास की टिकट ही लेना। जनरल 35 रुपीज़ की टिकट लेके कोई मतलब नहीं है, एकदम लाइक आप मज़े नहीं ले पाओगे एंड एकदम हैसल में जाना होगा, बहुत ही डिस्टर्ब हो। स्टेशन आ गया है अभी,
सो वी आर इन लवडेल स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी, काश यहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल जाए, कोई भी नहीं है यहाँ पे स्टेशन पे चढ़ने को, कुछ ही देर के अंदर चल जाएगी ट्रेन में नहीं। यहाँ पे उतर रहे ये स्टेशन मास्टर, ओके तो एक टिकट यहाँ तक थी ये पैसेंजर पे। दिस ट्रेन इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1907, वेरी ओल्ड। फाइनली कुनूर स्टेशन हम आ चुके हैं, पीछे जो मेरे है ये टॉय ट्रेन है एंड अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि कब की ट्रेन है एंड कितना टाइम हमारे पास है ताकि हम कुनूर की एक्सप्लोर कर सकें। ये भी सेम वैसा ही स्टेशन है उडमंगलम की जैसा, जैसा कि हमने देखा था अभी 1:45 हो रहे। यहाँ पे पहले टिकट के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेन 4 के 3 से टिकट मिलना शुरू हो जाएगी एंड ये बात टूर मतलब जो टूर कराते हैं इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है तो यहाँ पे जो आपको टैक्सी वाले वो साइड सीट के लेके आएंगे, रिक्शा वाले वो साइड सीट के लेके आएंगे। तो अगर आपको लाइक साइड सीट करना है तो वो 3 से वो आपको पूरा साइड सीट करा के 3 से पहले यहाँ पे छोड़ देंगे। बट हमने सोचा है कि पहले बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम ऊटी। आज हमारा पहला दिन ऊटी का एंड ये रूम हम चेंज करने वाले हैं बिकॉज आप देख रहे हो काफ़ी डिप्रेसिंग सा रूम है, लाइट ज़्यादा नहीं है ना, हमें व्लॉग करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लाइट की है। उसके बाद में मैं रूम शिफ्ट करने के लिए जाऊँगा, दिस इज़ अ ग्राउंड फ्लोर, जो अब फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँगा एंड वहाँ पर एक बहुत अच्छा रूम है जिसमें बालकनी व्यू है, तो फिर उसके अंदर आपको पूरा लाइक टॉय ट्रेन वगैरह दिखेगा, तो फिर मैं वो रूम लूँगा। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइज, ये मेरा रूम है, इस माय रूम, सिर्फ एक ही लाइट है और वहाँ पे एक लाइट है, लाइट बहुत कम है एंड ये बाहर का नज़ारा है। अभी नाश्ते का टाइम हुआ है, ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंड ये है नज़ारा रूम का, इट्स वेरी ऑसम। लाइक जो उन्होंने होटल के पीछे में ये जो लॉन बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत है, छोटे छोटे सी टेबल है बैठने के लिए, टी कॉफ़ी के लिए, बहुत ठंडी है एंड जो उन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे ये बहुत अच्छे रखे। बाकी होटल का नाम है के लॉर्ड एंड ये आपको के लॉर्ड नाम से ओयो के अंदर मिल जाएगा। सो ये हमारा नाश्ता आ गया है, फूड इज वेरी गुड, फुल नॉर्थ जो साउथ स्टाइल है वो, अगर बुफे सिस्टम होता तो और बता जाता, बट फूड इज पूरी एंड छोले चटनी खोपरे की वो। सो मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया है, मेरी कॉफ़ी जो है वो थोड़ी देर में आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ यहाँ पे होटल के बाहर के नज़ारे देखने के लिए। जैसे मैंने बाहर देखा ये टॉय ट्रेन ये टॉय ट्रेन है, 9:15 को जाएगी ये, तो जो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया था वो आ गई है, दिस वन एंड दोपेशिया भी नाश्ता आ चुका है अभी तक। जब तक मेरा फ्रेंड नाश्ता कर रहा है और मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तब तक मैं आपको एक होटल का टूर दे देता हूँ।